एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उमारू को जो कि ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन के आंसर दे रही होती है और टीचर कहती है कि तुमने एकदम करेक्ट दिया है। यहाँ पे सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं उमारू से। तो उसकी कॉम्पिटिटर जिसका नाम ताजिबाना है वो कहती है कि उमारू मैं तुम्हें मिड टर्म में किसी तरह बीट कर दूंगी, देख लेना तुम मेरी कॉम्पिटिटर हो, मैं तुम्हें किसी तरह हरा दूंगी। तो उसकी टीचर कहती है तुम बीच की क्लास में हो, वो उसे माफी मांगती है। यहाँ पे उमारू देखती है उसके पीछे एक और लड़की होती है, उसे गुस्से भरी नजरों से देख रही होती है, जिसका नाम मोते भी होता है। फिर कहानी आगे जाती है और हम देखते हैं इवीना और यहाँ पे उमारू घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे इवीना कहती है कि मेरे एकदम घटने घटिया स्कोर है, मुझे नहीं लगता मैं मिड टर्म में ठीक से कर पाऊंगी। उमारू कहती है कि गलती सबसे होती है, तुम किसी ना किसी तरह यहाँ पे कर ही लोगी, चिंता मत करो। यहाँ पे ये कहती है कि मुझसे भी गलती हुई है, मेरी भी एक आईडी कार्ड है वो गायब हो चुका है, तो मुझे उसे अब ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे ये कहती है कि हम दोनों अपना सिर्फ बेस्ट दे सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। पर उमारू घर आके स्टडीज के अलावा सब कुछ कर रही होती है, गेम खेल रही होती है। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि तुमने बहुत गेम खेल लिया, स्टडी कर लो। ये कहती है कि चिंता मत करो नीचा, मुझे सब आता है। ये कहता है तो ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे लगा था मिड टर्म में तुम अच्छा करोगी, पर अब मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कर पाओगी, क्योंकि मिड टर्म के ज़्यादा ही हार्ड होते हैं क्वेश्चंस, और यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस भी देते हैं टीचर बीच बीच में, मुझे नहीं लगता तुम उसे याद कर पाओगी। चलो ये भी बात है, अगर तुम ये सिली गेम्स खेल सकती हो तो तुम्हारे टेस्ट का तो ऐसे ही चला जाएगा। ये कहती है ये कोई सिली गेम्स नहीं है, ये FPS है। यहाँ पे ये कहता है ये सिली गेम है, जो भी हो ये। यहाँ पे ये कहती है कि ये सिली गेम नहीं है, ये FPS है, ये बहुत ही अच्छा गेम होता है। फिर हम रात को देखते हैं जहाँ उमारू सो रही होती है, तो उसे एक सपना आता है जहाँ उमारू वॉर के बीच में होती है, यानी कि एग्जाम के बीच में, जहाँ ताजिबाना आके कहती है ये तुम्हारी गलती है, तुमने कभी भी एग्जाम को सीरियसली नहीं लिया। और उसी की साइड में ये इवीना को भी देखती है जो कि कह रही होती है कि मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इस एग्जाम को पास कर पाऊंगी, और यही चीज़ इसके अंदर घूम रही होती है। फिर अचानक से इसका सपना टूट जाता है और ये उठ जाती है, और जैसे ही उठती है ये अपने ओनीचा को पकड़ती है और कहती है कि भाई मेरी मदद करो, मुझे किस तरह इस एग्जाम को पास करना है, मेरी मदद करो स्टडीज में। जिसके बाद क्या करे बड़ा भाई, बेचारा सोचता है ये रात का जानवर मुझे क्यों परेशान कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पे ये इसकी पढ़ाई चालू कर देता है, और कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाते हैं जहाँ पे उमारू ने फर्स्ट रैंक लाया होता है और ताजिबाना ने सेकेंड। यहाँ पे ये उदास होती है और उसी के साथ इन्हें अभी ना भी लास्ट के करीब आई होती है, या सभी लोग उमारू की तारीफ कर रहे होते हैं, हर कोई उमारू से उम्मीद रखा होता है, क्योंकि एक तरह से आप मान लीजिए कि उमारू स्कूल की एंजल है और वो हर चीज़ में एकदम परफेक्ट है। पर यहाँ पे हर कोई बात करा होता है, तो दो लड़कियाँ बात करती है कि तुम्हें पता नहीं उमारू के डैड जो है वो बड़ी कंपनी के मालिक है, इसी वजह से तो उमारू के अंदर इतनी ज़्यादा तमीज़ है। यहाँ पे ये कहती है कि हर कोई स्कूल में उसे पसंद करता है सिवाय एक पर्सन के, जो कि है मोतेबे। वो हमेशा उमारू को देखते रहती है, वो भी गुस्से वाली नजरों से। हम देखते हैं मोतेबे को जो कि ऐसे ही देख रही होती है। तो यहाँ पे कुछ लड़कियां उमारू को कहती है कि उमारू अगर तुम मोतेबे से बात ना ही करो तो वो अच्छा है, सुना है वो एक बड़े आदमी से लड़ चुकी है एक बार। जिसके बाद यहाँ पे उमारू जब घर जा रही होती है तो इवीना को कहती है कि मुझे लग मोतेबे को मुझसे कुछ बात करनी है। ये कहती है कि हाँ शायद ऐसे ही लगता है, वो तुम्हें काफी दिनों से देखे जा रही है, वो हर टाइम तुम्हें क्लास में ताड़ते जाती है। ये कहती है तुम्हें कैसे पता, ये कहती है ये उसकी आदत है, इसी वजह से लोग उससे डरते हैं, पर ऐसी नहीं है वो बिल्कुल, तुम्हें वो हर टाइम देखती रहती है, पर वो तुमसे गुस्सा नहीं है, ना ही वो तुमसे नफरत करती है, ये तो उसकी एक अलग साइड है। उमारू कहती है क्या तुम उसकी दोस्त हो, ये कहती है मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ, पर मैंने उसको एक बार लंच के टाइम पे बुलाया था, तो उसने पूछा था कि तुम मेरे साथ हो कि नहीं, तो मैंने कहा हाँ, तो उसने कुछ बिना जवाब दिए वह उस क्लास से चली गई। यहाँ पे उमारू कहती है कि लगता है वो मुझसे नफरत करती है, ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि वो बात करने में शर्माती है, इसी वजह से वो तुमसे बात नहीं कर पाती और उसकी आंखों की वजह से कोई भी उससे बात करना नहीं चाहता। उमारू कहती है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जिसके बाद वो घर आ जाती है और सोचती है कि कहीं उसे उमारू के सीक्रेट के बारे में तो नहीं पता, पर कोई बात नहीं, वो कितना सरप्राइज हो जाएगी अगर उसने मेरे को देख लिया। यहाँ पे वो सोचती है कि अगर उसने देख लिया तो उसके ऊपर गुस्सा करेगी और उसे मारने के लिए भागेगी, पर यहाँ पे किसी तरह इवीना उसे रोक लेगी और कहेगी कि मुझे माफ कर दो, और बीच में उमारू आ जाएगी और इन दोनों की दोस्ती करवा देगी और अपने चूहों के ऊपर यहाँ पे उड़ते हुए ये आसमान की शहर करेंगे
और मजे लेंगे। यहाँ पे उमारू अपने ही ख्याली पुलाव बना रही होती। उमारू को फिर याद आता है कि आज तो नया क्विस्ट निकला उसके गेम के लिए और वो गेम खेलने लग जाती है और गेम खेलते हुए यहाँ शाम हो जाती है जिसके बाद उसे भूख लग गई होती है और उसे याद आता है आज तो वेंसडे है और आज ओनीचा जो है वो ग्रोसरीज लेने के लिए गया होगा और उसी के साथ वो मीट भी लाएगा और उसे स्टीक काफ़ी ज़्यादा पसंद है। शायद वो स्टीक ले आए और उसे घर पर बनाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और यहाँ पे रिंग बेल बजती है, उसे लगता है कि यहाँ पे उसका बड़ा भाई आ चुका है और उसके हाथ में सामान होगा इसी वजह से वो अंदर नहीं आ सकता, जिसके बाद वो गेट खोल देती है और वो कहती है कि बड़े भाई तुम आ गए। पर उसके सामने मोतबे होती है जो कि उसे गुस्से की नज़रों से देख रही होती है, ये सोचती है कि आज तो ये एक्सपोज होगी। पर इससे पहले ये कुछ बोलती यहाँ पे मोतबे कहती है कि तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो। यहाँ पे फिर ये कहती है कि तुम अंदर क्यों नहीं आती। ओमारू फिर सोचती है कि उसने इसे अंदर क्यों बुलाया। यहाँ पे ये इससे पहले कुछ बोलती मोतोबे कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मेरा नाम मोतोबे केरी है। तो मारू कहती है इतना तो मुझे भी पता है, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। मोतोबे कहती है कि मुझे माफ़ करना, क्या तुम ओमारू की छोटी बहन हो। यहाँ पे उमारू कंफ्यूज हो जाती है जिसके बाद वो सोचती है कि हाँ मैं उमारू की छोटी बहन हूँ, मेरा नाम कुमारू है। यहाँ ये कहती है कि मेरा गैस सही था। यहाँ पे ये कहती है कि अभी तो मैं एक बच्ची बनी हुई हूँ इसी वजह से इसे कुछ पता नहीं है। मोतोबे फिर कहती है कि उमारू कब आएगी, मुझे उससे बात करनी है। ये कहती है कि मेरी बड़ी बहन हमसे अलग रहती है, मैं और मेरे बड़ा भाई यहाँ पे रहते हैं। ये कहती है ऐसी बात है क्या। उमारू फिर मोतोबे से पूछती है कि तुम्हें क्यों लगा कि तुम मेरी बहन को यहाँ ढूंढ लोगी। ये कहती है कि मैं एक हफ्ते से उमारू को यहाँ फॉलो कर रही हूँ और वहीं पर आती है। ये कहती है कि उल्टा मत समझना, मैं उसे स्टॉक नहीं कर रही थी, दरअसल उसकी स्टोन रैक गायब हो गई थी तो मैं इसे देने के लिए आई थी, मैं कभी भी उसे लौटा नहीं पाई एक हफ्ते में, तो यहाँ पे ये इसी चीज को लौटाने के लिए आई है। उमारू को फिर यहाँ पे इबीने की बात याद आती है कि यहाँ पे ये इतनी ज्यादा स्केरी नहीं है, जिसके बाद यहाँ पे ये थैंक यू बोलती है इबीने को, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हें मैं मास्टर कह सकती हूँ क्या। ये कहती है कि ठीक है तुम मुझे मास्टर कह सकती हो, पर क्यों। ये कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो इसी वजह से मैं तुम्हें अपना मास्टर बनाने का फैसला करती हूँ उमारू। उमारू का फिर बड़ा भाई भी यहाँ पे आ जाता है जो कि देखता है कि उमारू ने अपने फ्रेंड के सामने अपनी हुडी पहन रखी है और बच्ची बन रखी है, ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे उमारू फिर कहती है कि मेरी नई दोस्त है इससे मिलो ओनीचा। ये यहाँ पे फिर हाय कहता है, पर मोतोबे उमारू के बड़े भाई से ठीक से बात नहीं कर पाता और मोतोबे को देख के ये काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर उमारू को याद आता है कि बच्चों के अलावा तो किसी से ठीक से बात भी नहीं कर सकती, ये काफी ज्यादा शाय है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्विमिंग डे में, जहाँ पे उमारू ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया होता है और काफी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। हमें फिर घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोतोबे उमारू से बात करने के लिए आई होती है और वो सपना देख अगर कुमारू ने उसकी हेल्प कर दी तो शायद वो उमारू के साथ उसके घर तक छोड़ने के लिए उसे आ सकती है और मोतोबे को इस छोटी सी चीज से काफी ज्यादा खुशी होगी। यहाँ पे ये सोचती है कि कुमारू से ये पूछे कि नहीं। यहाँ पे उमारू उसे बुलाती है और कहती है कि देखो मोतोबे मैं तुम्हें कुछ नई चीज दिखाती हूँ, और वो यहाँ पे गेम खेल रही होती है और मोतोबे को दिखा रही होती है। मोतोबे सोचती है कि वो इससे पूछे कि नहीं कि वो उमारू से दोस्ती कर पाएगी कि नहीं, पर उसकी हिम्मत नहीं होती और उमारू से वो बात नहीं कर पाती। उमारू उससे पूछती भी है मोतोबे अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकती हो, पर वो कुछ कह नहीं पाती। हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ मोतोबे स्कूल में चल रही होती है पर सामने से उमारू आती है जिसकी वजह से उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और कहती है कि मेरी बहन को देखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया मोतोबे, क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगी। यहाँ पे कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगी। हम फिर देखते हैं मोतोबे उमारू और इबीना जो कि एक साथ घर जा रहे होते। यहाँ पे इबीना को देख के मोतोबे गुस्सा हो जाती है और जलेस भी। दरअसल उमारू बताती है कि ये दोनों बहुत पहले से एक साथ घर जा रहे हैं और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, जिसे देख के यहाँ पे मोतोबे काफी जलेस हो जाती है और कहती है मैं दूसरे रास्ते चली जाऊँ। फिर जब मोतोबे उमारू के साथ होती है तो वो कहती है मैंने एक राइवल को ढूंढ लिया है और मैं किसी भी हालत में उसे हरा के रहूंगी चाहे जो हो जाए। यहाँ पे फिर मोतोबे इनके साथ खाना भी खाती है। हम फिर देखते हैं कि उमारू यहाँ पे हॉरर मूवी देख रही होती है कुछ दिन बाद, उसी के साथ उसका ओनीचा भी होता है। ये कहती है ये तो काफी ज्यादा डरावनी मूवी है पर मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। यहाँ पे ये अपने बड़े भाई से पूछती है क्या तुम्हें डर लग रहा है। यहाँ ये कहता है मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, ये तो काफी अच्छी मूवी है। यहाँ पे उमारू काफी ज्यादा डर रही होती है पर वो अपने बड़े भाई को दिखाती नहीं है। तो उसके बड़ा भाई कहता है अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम इस मूवी को बंद कर सकती हो। ये कहती है कि कौन सी
डरावनी मूवी है ये। अगर घोस्ट आए मेरे सामने तो मैं उसे पंच मार के भगा दूंगी यहाँ से, इसकी चिंता मत करो तुम। और जब मूवी खत्म होती है ये काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, जिसके बाद यहाँ पे इसका बड़ा भाई कहता है कि मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तुम घर पर ही रहना, मेरा इंतजार करना। और उमारू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, पर वो कहती है कि ठीक है मैं यहीं पर इंतजार करूँगी, तुम किसी तरह जल्दी आ जाना। यहाँ पे उमारू फिर कॉमिक पढ़ने लग जाती है, पर उमारू को फिर बाहर से आवाज़ आती है और बाहर देखती है तो कोई नहीं होता। वो कहती है ये सब मेरा वहम है, मैं सिर्फ आवाज़ें सुन रही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद वो वापस से अपने कंप्यूटर को ऑन करती है और उसके अंदर एक मूवी देख लेती है। उतने में लाइट चली जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो सोचती है ये सिर्फ वहम है और कुछ नहीं। उमारू पर बालकनी में कुछ देख लेते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और उतने में उसका बड़ा भाई आ जाता है। उमारू कहती है कि बड़े भाई तुम आ गए फाइनली, पर उमारू का भाई उसके लिए नया होता है, जिसकी वजह से उमारू सर के बल गिर जाती है। और वहाँ पे वो बालकनी में जाता है और वो कहता है कि ये काफी ज्यादा देर हो गई, सारे कपड़े गंदे हो गए वापस से, उमारू तुम्हें कपड़े तो ला लेने चाहिए थे अंदर। जिसके बाद ये दोबारा से मूवीज देखने चालू कर देते है। यहाँ पे उमारू काफी ज्यादा डर चुकी होती है और जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना और हमें बताना कि आपको ये एनिमी कैसे लगी और इसका एपिसोड कैसा लगा। हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम अपने एक्सप्लेनेशन को सुधार सके। मुझे पता है मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छी वॉइस दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हो।